भारत में 24 घंटों में कोरोना के 35,662 नए मामले। कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 97.65%। मध्य प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह झूला 2.0 योजना का करेंगे शुभारंभ। एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह। आज से चारधाम यात्रा शुरू। ई पास से ही कर पाएंगे दर्शन। सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। यूपी में लगातार बढ़ रही डेंगू की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 219 नए मामले। लखनऊ में एक की मौत। राजधानी के 30 घरों में लार्वा मिलने पर नोटिस जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट काफी बेहतर हुआ है, 97.65% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि भारत में रविवार को कोरोना वायरस के लिए 14 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद देश में सैंपल टेस्टिंग का आंकड़ा अब 55 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो भारत में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। टेस्टिंग जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इतिहास रचा है वैक्सीनेशन में भारत ने। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो कोरोना से अब तक 33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं बीते 24 घंटे में, और 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि मामले कम हुए हैं लेकिन पूरी तरह से शून्य नहीं है। ऐसे में हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में चारधाम के कपाट खुलने के लगभग 4 महीने के बाद शनिवार से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को चारधाम यात्रा की मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी कर दी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई पास जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से ही चारों धामों में दर्शन करने की अनुमति मिलेगी। दरअसल प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 15 दिनों के बाद प्रमाण पत्र दिखाने पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी, लेकिन केरल, महाराष्ट्र और आंध्र से आने वाले यात्रियों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने के बाद 72 घंटे पहले की कोविड जाँच नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। तो पास से ही दर्शन आप कर पाएंगे। आज से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगी थी, लेकिन अब ये रोक हट गई है। ऐसे में यात्रियों में और श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए यात्री लगातार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुभाष कौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, एक साल या ये कहें कि 1.5 साल का वक्त हो गया है और चारधाम यात्रा पूरी तरह से बंद थी कोरोना काल के बाद, लेकिन काफी विरोध के बाद एक बार फिर से चारधाम यात्रा से शुरू होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पिछले लंबे समय से बंद थी और सरकार ने शुरुआत तो जरूर चारधाम यात्रा की कर दी थी, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट है उसने उस पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने कहा था कि सरकार पहले जवाब देगी किस तरीके की तैयारियां सरकार ने की हुई है, क्योंकि उस समय जो कोविड-19 का संक्रमण है प्रदेश में बहुत तेजी से फैल रहा था और जो मरीजों की संख्या थी वो भी बहुत अधिक थी। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया है कि जो चारधाम यात्रा खोल दी गई और आज से ही जो यात्री हैं वो चारधाम यात्रा कर सकते हैं, खासतौर से जनपद चमोली के जो यात्री हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी जनपद के लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकते हैं और साथ ही केदारनाथ धाम केवल रुद्रप्रयाग जनपद के लोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो गृह जनपद है उसी जनपद के लोग चारधाम यात्रा में अपने क्षेत्र की जो धाम है उसमें यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज ये है कि कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन करना अनिवार्य होगा, खासतौर से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी, तभी आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, तभी आप उन धामों में पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित की गई है,
एक दिन में केवल 1000 यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। वहीं अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए, बिल्कुल सुभाष, अगर बात की जाए चार धाम यात्रा की, देखिए इन दिनों बरसात का मौसम है उत्तराखंड में, कई जगह जो घटनाएं हैं, जो आपदा है वो आई है, चाहे वो बादल फटने जैसी हो, भूस्खलन जैसी हो, ऐसे में कई जो मुख्य मार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो ऐसे में आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए ये यात्रा कितनी कठिन हो सकती है और इनको कठिनाई ना हो इसके लिए प्रशासन कितनी तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केवल जनपद को ही, यानी कि जो घरेलू जनपद है, जैसे कि बद्रीनाथ जो धाम है वो चमोली जनपद में स्थित है, तो केवल चमोली जनपद के श्रद्धालु ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। अन्य जनपद के कोई भी श्रद्धालु जनपद बद्रीनाथ में दर्शन नहीं कर सकता। वहीं अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जनपद के लोग ही दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री के उत्तरकाशी जनपद के ही लोग दर्शन कर सकते हैं। अभी केवल जनपद वार जो यात्रा है वो खोली गई है, और जैसे कि आपने यानी सुभाष जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनको अनुमति नहीं दी गई है यात्रा के लिए? जी बिल्कुल, अभी पूरे प्रदेश के लिए यात्रा नहीं खोली गई है, केवल जनपदवार यात्रा खोली गई है, जैसे कि शुरुआत में सरकार ने खोली थी। लेकिन बड़ी चीज, जैसे कि आपका सवाल था कि प्रशासन की क्या तैयारी है, तो प्रशासन की तैयारी के लिए पहले ही मुस्तैदी से प्रशासन को कहा गया है कि वो सतर्क रहे और यात्रा बेहतर और सुचारू रूप से चले, उसकी तैयारियों के लिए भी प्रशासन को कहा गया था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया है, पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं उन्हें तैनात किया गया है, जिला मजिस्ट्रेट की कमेटी में टीमें बनाई गई है जिला स्तर पर, उनको तैनात किया गया, यानी कि किसी भी तरीके की चूक इन धामों में ना हो उसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन को एक कोड के जरिए कहा गया है कि वो सतर्क रहें और किसी तरीके की कोई चूक होती भी नजर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सुभाष, और इस यात्रा की शुरुआत जैसे हुई है आज से, तो ऐसे में वहाँ के जो दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, वो कितने खुश हैं, क्योंकि इतने सालों से उनका काम पूरी तरह से ठप पड़ा था, 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। जी बिल्कुल, अगर जो स्थानीय लोगों की बात करें जिनका रोजगार चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ था, तो वो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक नाराजगी ये भी है कि यदि यात्रा समय पे खुल जाती तो शायद उनको इस तरीके की परेशानियों से जूझना नहीं पड़ता। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद यात्रा खोली गई है तो उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन क्योंकि यात्रियों की जो संख्या है वो सीमित रहेगी, तो वो चाहते थे कि प्रदेश के लिए यात्रा खोली जाए ताकि पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो यात्रा करने आ सके और उनका रोजगार एक बार फिर से चल पाए। लेकिन शुरुआत जरूर उनके रोजगार की अब होती हुई नजर आ रही है, तो वो इसी बात से काफी खुश हैं कि जो रोजगार है वो कम से कम शुरू तो हुआ। जी बिल्कुल सुभाष, और उत्तराखंड में अगर मैं कोरोना संक्रमण की बात करूं तो कितने मामले रोजाना यहां पर आ रहे हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं, टेस्टिंग किस लिहाज से आगे बढ़ रही है, वैक्सीनेशन कितना प्रतिशत यहां पर हो रहा है, क्योंकि ये भी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो जनपद वार तरीके से यात्रा खोली गई है, आगे फिर प्रदेश स्तर पर खोली जाएंगी, फिर दूसरे राज्य के लोग भी जाएंगे यहाँ चार धाम यात्रा के लिए। जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके से कोरोना संक्रमण मरीजों की बात की जाए तो अब केवल 25 से 30 मरीज पूरे प्रदेश में पाए जाते हैं रोजाना, और रिकवरी रेट बेहद अधिक प्रदेश का होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के समय में अस्पतालों में बेड की जो समस्या थी वो समस्या प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरोना प्रदेश से लगातार खत्म होती की नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से यात्राएं खोली जा रही हैं, बाजार खोल दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन जिस तरीके से होना चाहिए था वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जो तीसरी लहर की बात कही जा रही थी कि वो जल्द आने वाली है, तो उसको लेकर जरूर प्रशासन और सरकार को सतर्क रहना चाहिए, तभी कहा जा सकता है कि कोरोना पूरी तरीके से प्रदेश से खत्म हो सकता है। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन लगातार प्रदेश में जारी है, ना केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ के उन दूर दराज के जो गाँव है उन क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन लगातार सरकार के जरिए कराया जा रहा है। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन जैसा कि यहाँ पर बताया सुभाष जी ने कि वहाँ पर सिर्फ जनपद वार तरीके से ही जो यात्री हैं वो जा सकते हैं, यानी कि अगर आपको केदारनाथ धाम जाना है तो वहाँ पर आप सिर्फ उसी इलाके के लोग दर्शन कर सकते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री जाना है तो वहीं आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में
खुशी का माहौल है, लेकिन जो रोजगार से जुड़े लोग हैं, जिनका रोजगार है चारधाम यात्रा, जो लोग दुकानें लगाते हैं, जो लोग टैक्सी चलाते हैं, वो थोड़ी सी नाराजगी उनमें अब भी बची है, क्योंकि 1.5 साल से वो यूं ही बैठे हुए थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, और अब बड़ा फैसला लिया गया तो ऐसे निम्न स्तर पर लिया गया है कि कुछ ही लोग यात्रा कर सकते हैं, दूसरे राज्यों के नहीं आ सकते और पूरे प्रदेश के भी वहाँ चारधाम यात्रा के लिए नहीं जा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार को मध्य प्रदेश के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का ऐलान किया था। अब गृह मंत्री 18 सितंबर को जबलपुर में उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत करेंगे। उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उज्ज्वला योजना महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसका दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में महिलाओं को बेहतर लाभ मिला। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता था कि महिलाएं लकड़ियों पर खाना बनाती थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, उनकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसलिए की गई ताकि उन महिलाओं को उस धुएं से निजात मिल सके, उन बीमारियों से निजात मिल सके जो उन्हें लगातार हो रही थी। तो ऐसे में मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन जो है वो उन्हें बांटे गए। हालांकि कुछ महिलाओं में नाराज़गी भी ये थी क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में उनका कहना है कि उज्ज्वला योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं, तो एक बार फिर से वो लकड़ियों पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। लेकिन इसी सिलसिले में गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश आएंगे, मध्य प्रदेश का दौरा है उनका, उज्ज्वला 2.0 की वहाँ शुरुआत करेंगे। लेकिन इस पूरे दौरे को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, तो ऐसे में छोटे से छोटा मौका भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में डेंगू कहर बरपा रहा है, इससे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को राज्य में डेंगू के 219 नए मरीज मिले, इसमें से 21 मरीज लखनऊ में पाए गए। वहीं डेंगू से पीड़ित एक 4 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसका इलाज बलरामपुर अस्पताल के बाल रोग विभाग में चल रहा था। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं लखनऊ और सहारनपुर की, जहां पर डेंगू की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ के 30 घरों में लार्वा मिलने पर मकान मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। सहारनपुर में पुलिस कर्मियों में डेंगू न फैले, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने जिले के सभी थाना पुलिस लाइनों और चौकियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि यूपी के कुछ जिलों में डेंगू की वजह से कई पुलिसकर्मी बीमार हुए हैं। सहारनपुर में भी डेंगू के मामले मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पुलिसकर्मी को डेंगू नहीं हुआ। लेकिन एहतियात के तौर पर सभी थाना पुलिस चौकियों पुलिस लाइन में साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि सभी को ये भी कहा गया है कि वो इन सभी जगहों पर एंटी लार्वा का छिड़काव फॉगिंग करवाएं और कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना होने दें। इधर देखा जा रहा है कि काफ़ी डेंगू से लोग पीड़ित हो रहे हैं, मौतें भी हो रही है और अन्य तरह के बुखार भी से लोग ग्रस्त है। इसको देखते हुए यहाँ पे जनपद सहारनपुर के सभी थानों को पुलिस लाइंस को ये निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई रखें, नियमित रूप से वहाँ फॉगिंग कराएं और जो क्लोरीन होता है उसका छिड़काव कराएं, कहीं पानी वानी इकट्ठा ना हो, कूलर आदि की सफाई करें। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, एहतियात बरता जा रहा है। तो हमारे जनपद में अभी कोई पुलिसकर्मी इस तरह डेंगू की चपेट में नहीं आया है, लगातार हम लोग सावधानी बरत रहे हैं। रामपुर में लुटेरी दुल्हन का बड़ा कारनामा सामने आया, जहां पति को नशीला पदार्थ खिलाकर नकदी सहित सोने के आभूषण लेकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर दुल्हन फरार हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित पति दुल्हन के फरार होने से एक दिन पहले ही मायके से लाया था। दुल्हन के घर वाले भी बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि लड़की कहाँ गई, फोन भी बंद जा रहा है। घटना की सूचना थानागंज पुलिस को दी गई है। पुलिस लुटेरी दुल्हन को तलाशने में जुटी हुई है। तो रामपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर लुटेरी दुल्हन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल
आभूषण लेकर, नकदी लेकर दुल्हन फरार बताई जा रही है। फिलहाल उसको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की इस पूरी घटना को दुल्हन ने अंजाम दिया। मेरी बीवी 2 दिन से महके में थी, मैं लेकर आया उसको 9 तारीख को। 9 तारीख को ले आने के बाद घर पे लिया 10 बजे। 10 बजे ले आने के बाद उनने मुझे 11:30 बजे दूध पिलाया। दूध पिला के हम बातें करते 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 सो गया। मैं ये पता कब मेरी नींद आ गई, जब मेरी आँख खुली तो घर में से लापता थी। मैं सोने से 1 मिनट देखा, घर में कोई था नहीं, वो थी और मैं था बस। घर हमारा इकला है बिल्कुल, घर इकला है, कोई नहीं था घर में। अब मैंने सब तब देखा, मैं देखा मेन गेट खुला हुआ है। जब मेन गेट में था, जब मैं मेन गेट खुला, मैं भाई भाई सबको उठाया, भाई वहाँ देखा, बोले अरे भाग गए। फिर उसके बाप को फ़ोन करा तुरंत कि तुम्हारी ऐसी ऐसी लड़की भाग गई है। बाप बोले कोई जिन उठा कर ले गया उसको। रामपुर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से पुलिस अधीक्षक रामपुर को चोरी के खुलासे न होने पाने की वजह से ज्ञापन दिया गया है। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल को अवगत कराया गया। रिलायंस क्षेत्र में सम्मानित आटा प्लांट व्यापारी प्रवीण गुप्ता के घर से लगभग 20 लाख रुपये धनराशि के सामान की चोरी हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ और व्यापारी का जो सामान है जो चोरी हुआ था वो बरामद नहीं हो पाया है। इससे व्यापारी समाज में काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। इसी सिलसिले में लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो चोरी का खुलासा ना करने पर ज्ञापन दिया गया है। 2 महीने पहले लाखों की चोरी की घटना को अंजाम यहाँ पर दिया गया था व्यापारी के घर पर। ऐसे में व्यापारियों में खासा रोष नज़र आ रहा है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका में उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसके लेकर फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीआईयूसी वार्ड का निरीक्षण भी किया। तो फर्रुखाबाद में तीसरी लहर को देखते हुए, दरअसल कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका में उससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। फर्रुखाबाद में भी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसको लेकर फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीआईयूएस वार्ड का भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देश रोता बिलखता हुआ नजर आया था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, चिताएं जल रही थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तमाम जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जा रहे हैं ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो ऑक्सीजन की कमी ना रहे, लोगों को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। जालौन का एक बार फिर से वहां की पुलिस ने अपना चेहरा दिखाया है। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहे चौकीदार की मौत के बाद पुलिसकर्मियों ने कंधा दिया। चौकीदार की मौत की खबर मिलने पर जनप्रतिनिधि और स्थानीय पुलिसकर्मी पहुंचे, खुद आगे बढ़कर उन्होंने चौकीदार के पार्थिव शरीर को कंधा दिया है। ये तस्वीरें वाकई मार्मिक है और एक बार फिर से ये साबित होता है कि भले ही पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भ्रष्ट हों या कई पुलिसकर्मी भ्रष्ट हों, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अब भी ऐसे हैं जो मानवता की मिसाल पेश करते हैं और ऐसी ही तस्वीर ये सामने आई है। एक बार फिर पुलिस की मानवता यहाँ नजर आई है। दरअसल एक चौकीदार की मौत हो गई थी और वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची, खुद ही अर्थी को कंधा दिया है और शमशान घाट तक पहुंचाया। आगरा में जेब कतरों के कारनामे आए दिन सामने आते रहते हैं। ताजा मामला थाना कस्बा बाह क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक शाखा का, जहां एक बैंक में रुपए का लेन देन करने आई थी। इसी दौरान जेब कतरों ने महिला से पॉलिथीन बैग छीन लिया और फरार हो गए। बता दें कि बैंक से रुपए निकालने के बाद महिला ने सामने दुकान पर फॉर्म लेने गई थी। पीछे लगे 2 अज्ञात जेब कतरी लड़कियों ने ब्लेड मारकर पॉलिथीन बैग से रुपए निकालकर फरार हो गई। पॉलिथीन और बैग को कटा हुआ देख रुपए नहीं मिलने पर महिला के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग में
वहां पर तलाश की हुई जो पॉलिथीन थी और साथ ही साथ बैंक के आसपास जो सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे उन्हें खंगाल कर फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वहीं कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी ट्रैफिक सिपाहियों से भिड़े। सपा विधायक ने ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मियों के साथ अभद्रता की। सपा नेता अबू आजमी के स्वागत जुलूस के दौरान अभद्रता की गई। बता दें कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बाइकों की फोटो लेने पर ट्रैफिक कर्मियों को अभद्रता करते हुए धमकाया गया। विधायक इरफान सोलंकी ने ट्रैफिक कर्मियों को वर्दी उतरवाने, देख लेने और वर्दी फाड़ देने तक की धमकी दी है। तो ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है। यहां पर कुछ नेता जो है रैली निकाल रहे थे और इसी दौरान सपा एमएलए इरफान सोलंकी ट्रैफिक सिपाहियों से भिड़ गए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।